व्हाट्स अप गाइस, तो भाई लोग आज की इस वीडियो में करेंगे फिर से प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। तो गाइस आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आरसी रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर गाइस, जो हवा में आप इसे उड़ा सकते हो, बहुत ही मजेदार है गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि चीप एंड बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। तो आज हम लोग इसी आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो पूरा रिमोट से कंट्रोल होता है, रिमोट से आप इसे फ्लाई कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं चारों तरफ अपना आउटडोर में। तो आज हम लोग इसी प्रोडक्ट के बारे में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसी प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले, इसके कुछ फीचर्स जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कितना प्राइस में अवेलेबल है और किस फीचर के साथ अवेलेबल। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर। तो हमें सबसे पहले जाना है अपने अमेज़ॉन पे, तो मैं अमेज़ॉन पे चलता हूँ पहले। तो उसके लिए पहले मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करता हूँ amazon.in या .com, आप कुछ भी करके इंटर कर सकते हो। तो मैं .in कर लेता हूँ। करने के बाद आपको सर्च करना है, उसके बाद आप सीधा अमेज़ॉन के अंदर घुस जाओगे। अमेज़ॉन पे जाने के बाद गाइस आपको सर्च करना है आरसी हेलीकॉप्टर। बट गाइस आज जिस आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ ये हेलीकॉप्टर है, क्योंकि अमेज़ॉन पे आपको गाइस बहुत सारा हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, आरसी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल आरसी हेलीकॉप्टर जो 400 से 500 के बीच में मिल जाएगा। बट उसका जो कंट्रोल है गाइस, उसका जो फ्लाई करने का तरीका है वो कुछ खास है नहीं, उसका कंट्रोल सही है नहीं। लेकिन आज इस आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो ये हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कंट्रोल है गाइस। गाइस आप ट्रस्ट करो, मैंने इसे पर्सनल यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा इसका कंट्रोल है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका कंट्रोल, आप जब उसे चलाओगे तो ये इतना अच्छा मूव करेगा कि आपको भी मज़ा आएगा चलाने में। तो आप देख सकते हो ये मल्टी कलर में ये हेलीकॉप्टर है गाइस। तो हम कुछ देख लेते हैं इसका फीचर्स। तो आप इसका लेंथ देख सकते हो, ये 30 सेंटीमीटर का है और कुछ इस टाइप से है। और इसका जो ऊंचाई है, हाइट, वो लगभग 15 सेंटीमीटर का है। तो और इसका रिमोट कंट्रोल भी 6.2 सेंटीमीटर उसका हाइट है, और इसका लेंथ जो है 9.2 सेंटीमीटर है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है और हाथ में भी बहुत अच्छा आता है, कंट्रोल भी करने में बहुत ही मज़ेदार साबित होता है। तो गाइस इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ आगे। तो आप इसका ये हो गया, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रिचार्जेबल बैटरी, तो आप इसे रिचार्ज भी कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो इसमें एक LED लाइट दिया, जो गाइस अब कमाल का ही नज़ारा आता है जब आप शाम को चलाते हो, शाम को इसे अपने हाथों से उड़ाते हो, तो बहुत ही कमाल का एक व्यू देखने को मिलता है जो LED लाइट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप गाइस देख सकते हो, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये आउटडोर के लिए ही है, ये तो जाहिर सी बात है ये आउटडोर के लिए है। उसके बाद देखते हैं गाइस इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखते हैं इसका कुछ बेसिक फीचर्स। तो हम लोग अब देख सकते हो यहाँ पे इसका अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट गाइस प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कंट्रोल बहुत ही हेवी दिया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाई एंड लो स्पीड भी है इसमें, LED लाइट है, और इसमें आप कोई भी चला सकते हो, ये तो जाहिर से बात है। बाकी ये एयरबोर्न हेलीकॉप्टर है कंट्रोल करने वाला। तो हम इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ मॉडल नंबर दिया हुआ है, बैटरीज रिक्वायर्ड यस, बैटरीज इंक्लूडिंग यस, इसमें बैटरी भी अवेलेबल है। और इसमें माइनस पॉइंट, अगर गाइस माइनस पॉइंट की बात करें हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल जो इसमें यूज़ किया गया है वो प्लास्टिक का है, तो ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए प्राइस के हिसाब से, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग मटेरियल होना चाहिए था, क्योंकि प्लास्टिक का थोड़ा सा नॉर्मल है। बाकी कलर का बात करें तो कलर तो हमने देख ही लिया, मल्टी कलर है। बाकी और देखते हैं हम लोग इसका साइज़, इसमें साइज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का 25, 5, 12 जो है सब सेंटीमीटर में है इसके लेंथ और हाइट जो है। और प्रोडक्ट का जो वेट है 200 ग्राम का है गाइस। और देखते हैं हम लोग, तो और देख सकते हैं यहाँ पे आप बैटरीज की अगर बात करें हम, तो ये लिथियम पॉलीमर बैटरीज इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आनी अवेलेबल है, इसमें डाला हुआ है गाइस, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आइटम मॉडल यहाँ पे देख सकते हो, और ये गाइस बोल रहा है कि 8 से 16 साल के बच्चे ही इसे चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप
20 साल के फिर भी चला सकते हैं, 30 साल के हैं फिर भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिनल, ये कंट्री है अपना इंडिया का गाइस, इंडिया का प्रोडक्ट है, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। और बाकी आइटम आप देख सकते हो, वेट इसका जो है 200 ग्राम जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप हम लोग इतना ही करते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना गाइस। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं।